हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश कुक बुक। तो आज हम लोग बनाने वाले हैं चटपटी आलू चाट की रेसिपी, और इसे हम बनाने वाले हैं स्ट्रीट स्टाइल में। ये चाट बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रेसिपी पसंद आए तो मेक श्योर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे कढ़ाई ली है, उसमें हम ऑयल ऐड करेंगे। हमने यहाँ पे 2-3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। 1/2 कप हमने प्याज ली है बारीक चॉप की हुई, इसे हम सॉटे करेंगे पिंक कलर होने तक। हमने यहाँ पे 1 कप शिमला मिर्च ली है बारीक चॉप की हुई, वो हम ऐड कर देंगे। इसे हमें 2 मिनट तक पकाना है लो फ्लेम पे। अब हम इसमें टोमेटो ऐड करेंगे 1 कप चॉप किए हुए। अब हम इसमें 1 स्पून टोमेटो केचप ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे इसे। लो फ्लेम पे 30 सेकेंड्स कुक करेंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबल स्पून इमली केचप ऐड करेंगे। मिक्स करेंगे और इसे भी हमें 30 सेकेंड्स तक कुक करना है। देखिए हमारे आलू चाट का मिक्सचर रेडी हो चुका है। अब हम आलू को प्रिपेयर करेंगे। हमने यहाँ पे 2 आलू लिए थे, उसे हमने बॉईल कर लिया है और उसे हमने क्यूब में कट कर लिया है। अब हमने जो मिक्सचर रेडी किया था वो ऐड करेंगे। खीरा ऐड करेंगे 1/2 कप बारीक चॉप किया हुआ। वन टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टेबल स्पून नमक, 1/2 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टेबल स्पून गरम मसाला, 1/4 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला। आप चाहे तो इसमें आमचूर पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अब हम इसे टॉस कर लेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब हम इसकी सर्विंग करेंगे। इसे बिल्कुल स्ट्रीट स्टाइल लुक देने के लिए हमने एक डिस्पोजल कटोरी ली है, उसमें हम आलू चाट को ऐड करेंगे। अब हम इसमें इमली की चटनी ऐड करेंगे।
टोमेटो केचप ऐड करेंगे। बारीक चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। बारीक चॉप की हुई प्याज ऐड करेंगे। दही ऐड करेंगे। सेव ऐड करेंगे। एंड लास्ट में हरा धनिया ऐड कर देंगे। देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी चाट रेडी है। आप इस चाट को इवनिंग स्नैक में भी बना सकते हैं। ये चाट बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताएंगे कि आपको कैसी लगी है रेसिपी। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी आपको स्क्रीन पर शो हो रही है। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो मेक श्योर हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक न्यू और ऐसी डिलीशियस रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय। Thanks for watching our video.